सत श्री अकाल जी। कहानियां दे इस चैनल जज्बाती जिंदगी स्टोरीज तुहाडा स्वागत है। उम्मीद करदी हाँ अज दी कहानी तुहानू बहुत ज़्यादा पसंद आऊगी। कमेंट करके जरूर दस्यो। हाँ मम्मी, तुसी तो जानदे ही हो थोड़े दिनों तक साडा बच्चा इस दुनिया विच आउण वाला है ते साडी फुल टाइम दी घर दी काम वाली अपने पिंड चली गई है। कह के तां गई आ कि 2 महीनों बाद आऊंगी ते हुण छेती नवीं भी नहीं मिलनी ते तुसी भी वीरे कोल जाके अमरीका बैठ गए। रवनीत ने परेशान होंदे हुए अपनी मां नूं कहा तां उसदी मम्मी बोली, ले दस इहदे विच परेशानी वाली कीड़ी गल आ, कोई नौकरानी लब्भन दी की लोड आ तैनूं, तेरी सस हैगी तां है, उह कदों कम आऊ, चंगी भली तुरी फिरदी आ, वधिया सेहत आ उसदी ते नाले तूं उहनूं दादी भी तां बणाउणा, इन्ना कु तां कर ही सकदी आ उह तेरे लई, जदों तक उसकी लोड़ हुई काम करवा ली, फिर उन्हें कर दी रवाना आपके घर। अपनी माँ दियाँ ये गल्लां सुन के रवनीत दियाँ अखां विच चमक आ गई। मम्मी, ये तुसी तां ये आइडिया बहुत वधिया दिता मैनू। शाम नूं जदों घर वाला घर आया तां रवनीत विचारा जिहा मूँह बना के उस लई चाह लैके गई ते उसने पुछया, रवनीत की होया? मैं सोच रही सी कि तुहाडे मम्मी डैडी नूं थोड़े समय लई इत्थे बुला लैंदे हाँ, पर ओ पर की उसने पुछया। पर पिछली बार जो कुछ होया सी उसदी वजह नाल किते मम्मी नाराज तां नहीं? अच्छा ओ नहीं, मैं मम्मी डैडी नूं चंगी तरह जानदा, साडे बुलाउण ते तां ओ भज्जे आउणगे दोनों, संदीप ने रवनीत नूं कहा। मैं कहा, सुनदे हो अज संदीप दा फोन आया सी। नसीब कौर ने चैकदे हुए कहा तां गुरप्रीत सिंह दी खुशी दा भी कोई टिकाणा नहीं सी। अच्छा इन्ने दिनों बाद, चल उसने याद तां कीता, की कहिंदा सी? सब कुछ ठीक ठाक है, वो दोनों किवें ने, ठीक ने? असल विच गल ये आ कि रवनीत दी डिलीवरी दा टाइम नेड़े आ रहा है ते वो आपां नूं आपदे कोल बुलाउणा चाहुंदा है। पुत नाल गल करके नसीब कौर दियां खुशियां 7वें आसमान ते सी, पर अचानक नसीब कौर पिछलियां गल्लां नूं याद करके उदास हो गई। असल विच 1 साल पहलां नसीब कौर ते उसदा पति गुरप्रीत सिंह अपने नूं पुत दे घर कुछ दिन रहण लई गए सी ते उसदी नूं ने एक चंगी तरह परख लिया सी कि उसदी सस बिल्कुल सीधी साधी है, तां उसने इस गल दा फायदा लेना शुरू कर दिता सी। उह तां सारा दिन फोन ते बिजी रहिंदी ते सारा काम उसदी सस नूं ही करना पैंदा। इह देख के गुरप्रीत सिंह नूं चंगा नहीं लग्गिया तां उन्होंने नूं नूं कहा कि तेरी सस दी हुण उमर ज़्यादा हो गई आ, उह थक जांदी आ, कुछ उसदे नाल काम करवा दिया कर। बस कहण दी देर ही सी कि नूह ने रौला चक दिता ते पुट्ठा सिद्धा बोलन लगी। नसीब कौर ते गुरप्रीत सिंह चुप चाप खड़े रहे, अपना अपमान बर्दाश्त करते रहे। संदीप अपनी घरवाली दे सामने कुछ बोल ही ना सकिया। नसीब कौर ते गुरप्रीत सिंह ने अपनी इज्जत बचाउण खातर अपने घर वापस आना ही ठीक समझिया। नसीब कौर पिछलियां यादां विच गवाची हुई सी। गुरप्रीत सिंह ने कहा, तू हुण कित्थे गवाच गई, तू अजे तक भी सोच रही आ, जल्दी जल्दी आपदा कपड़ा लत्ता चक ला, 5 साल हो गए संदीप दे विआह नूं, किन्ने सालां बाद अपने पुत्तर दे घर खुशियां आ रही हन, असीं तां बच्चे दा मूंह वेखण लई तरसे पए आ, तू सोच सोच के ज़्यादा टाइम ना खराब कर। ठीक आ, बस मैं अमन नूं दस्सिया वा कि असी अपने पुत्तर कोल जा रहे हाँ। गुरप्रीत सिंह ने अपने घर का 1 हिस्सा किराए ते दिता होया सी, जिथे अमन ते उसदा पति किराएदार दे तौर ते रहिंदे सन। उन्हां दा एक छोटा जिहा प्यारा जिहा बच्चा भी सी, ओह टिफिन सर्विस का काम करते सन। नेड़े एक कुड़ियां दा होस्टल होण करके उन्हां दा काम बहुत चंगा चलता सी। पिछले कुछ समय तो नसीब कौर ते अमन दा आपसी लगा काफ़ी ज़्यादा वध गया सी।
नसीब कौर अमन दे पुत्तर सन्नी नू सकी दादी तों भी वध के प्यार करदी सी। अमन, ओ अमन, नसीब कौर ने उसनू आवाज़ दित्ती तां उह रसोई विच्चों भज्जी भज्जी बाहर आई। नसीब कौर ने बहुत ज़्यादा खुश हुंदिया उसनू कहा कि अमन, एक खुशखबरी है, मैं दादी बन वाली हाँ। वाह आंटी जी, ये तो बहुत चंगी खबर आ, बहुत खुशी की गल आ। हाँ अमन, मेरे पुत्र संदीप ने पूरे 6 महीने की तैयारी करके आने लई कहा है, हजे तो सारे कपड़े पैक करने पैने, तू अपने टिफिन का काम करके मेरे नाल काम करा देवी। नसीब कौर ने हजे इन्ना ही कहा सी कि पिछों अमन दे घर वाले की आवाज़ आई, मैं संभाल लवांगा, तू जाके आंटी की मदद कर। अमन ने नसीब कौर की काफ़ी मदद की, सारा समान जल्दी जल्दी ही पैक हो गया। उसने नसीब कौर के नाल रल के उसकी नूँह लई लड्डू भी बनाए, उन्होंने नाल लेके जाने लई एक टिफिन भी तैयार करके दिता, तो फिर वह अपने पुत्र के घर जाने लई चल पई। जिमें ही वह घर पहुँचे तो नूँह नूँ मिल के नसीब कौर ते गुरप्रीत सिंह ने पिछले सारे गुस्से गिले भुल के उसनू आशीर्वाद दिता। नसीब कौर ने घर पहुँचते हुए सारे कम्मां दी जिम्मेवारी अपने सिर लै ली, काम वाली जान करके सारे घर विच खलारा पिया पिया सी। नसीब कौर ने जांदे ही सारी सैटिंग कर दित्ती, रोज़ अपनी नूँह नूं चंगियां चंगियां चीज़ां बना के खवाईयां। नूँह दियां गल्लां विचों जिवें मिश्री डुल डुल पैंदी सी। सारा दिन मम्मी जी करके वह अपने सारे काम करवा लैंदी। थोड़े समय बाद रवनीत ने एक बेटी नूं जन्म दिता। दादे दादी दे तां पैर ही जमीन ते नहीं सन लग रहे, ए तां बिल्कुल मेरे ते गई आ। नसीब कौर ने अपनी पोती नूं देखदिया ही अपने घर वाले नूं कहा, नहीं नहीं, मेरी पोती तां बिल्कुल मेरे ते गई आ, होए इहने तां मैनूं गिला कर दिता। गुरप्रीत सिंह ने बच्चे नूं नसीब कौर नूं फड़ाउंदिया कहा ते सारे हसन लगे। बेटी होने तो बाद नसीब कौर ने अपनी नूँह की खूब सेवा की, बच्ची का ख्याल रखना, रसोई का सारा काम, ते नूँह दे लई अलग तो खाना पकाना, ये सब कुछ नसीब कौर के बुढ़ापे कारण वसों बाहर सी। पर फिर भी नूँह नूं कोई तकलीफ ना होवे ये सोच के उस सारा दिन अपनी नूँह ते पोती की सेवा विच हाजिर रहिंदी। उसके गोड्या विच भी दर्द रहन लगा सी, इसके बावजूद भी वह सारा दिन लगी रहिंदी। गुरप्रीत सिंह उसकी उम्र के तकाजे नूं समझदा होया उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करदा सी। 2 महीने लंघ गए, बच्ची नाल लाड़ प्यार करदिया उन्हां दोनों का समा किवें लंघ गया पता ही ना लग्या। हौली हौली बच्ची नूं भी अपने दादे दादी दे हत्थां दे छोह दी पहचान हो गई। ये गल नूँह नूं रड़कन लगी सी। कुछ दिनों बाद उन्हां दी कम वाली वापस आ गई। नसीब कौर ने कहा कि हुण इस दी कोई जरूरत नहीं, पर नूँह ने यह दलील दित्ती कि मम्मी जी सारा दिन काम करके पोती नूं संभाल के थक जांदे हन, इस करके उसने कम वाली नूं रख ही लिया। एक दिन नसीब कौर पोती नूं जदों चमचे नाल दुध पिया रही सी तां बच्ची नूं थोड़ी खंघ आउण करके उसने उल्टी कर दित्ती। बस फिर की सी, रवनीत नूं तां जिवें बहाना मिल गया सी अपनी सस नूं ताना मारन दा। रवनीत ते संदीप ने बच्ची दी सारी जिम्मेवारी कम वाली नूं दे दित्ती, पर नसीब कौर दा मोह तां पोती विच ही अटकिया होया सी। इस लई वह कदे कदे पोती नूं चक लिया करदी सी। एक दिन जदों दोनों बाहर गए हुए सी तां जांदे हुए बच्ची नूं कम वाली नूं फड़ा के गए, पर वह लगातार रोई जा रही सी। कम वाली ने चुप कराउण दी बहुत कोशिश की, पर बच्ची ने रोना बंद नहीं किया। फिर नसीब कौर ने बच्ची नूं कम वाली दे हत्थां चों खोलिया ते उसदी धुनी ते हिंग लगा दित्ती, ते बच्ची चुप हो गई। दादे दादी दी छोह नूं महसूस किया ते मुस्कुराउण लगी।
कुछ देर बाद रवनीत ते संदीप आए तो काम वाली ने कन भर दिते, मैडम जो मेरी जरूरत ही नहीं सी तो मैनू काम ते रखिया क्यों, तुहाडे सस सहुरा तो मैनू बच्चे नू हाथ भी नहीं लाउन दिंदे। उन्होंने झट मेरे तो बच्ची नू खो लिया, हुण मैं तुहाडे घर काम नहीं करूँगी। रवनीत ते संदीप दोने ही नसीब कौर ते भड़क पए। नसीब कौर ते गुरभेज सिंह ने सबर दे घुट वांग अपनी बेइज्जती नू पी लिया। करदे भी की, पोती दे मोह विच उह पुत दा घर नहीं सन छड्डणा चाहुंदे। नूं तां पराए घर तों आई सी पर पुत तां अपना ही आ। मैनूं तां हुण उस नूं अपना पुत कहिंदे वी शर्म आउंदी आ। इस तों बाद इह हाल सी कि सारा दिन कम वाली बच्ची नूं संभालदी ते नूं अपनी मां नाल फोन ते गल्लां करदी रहिंदी। रसोई दे सारे काम की जिम्मेवारी नसीब कौर ते पा दित्ती गई। इत्थों तक कि काम वाली दा खाना भी नसीब कौर नूं ही बनाउणा पैंदा सी। अपनी घरवाली दी इह हालत वेख के गुरभेज सिंह मन ही मन कुड़दा रहिंदा सी। एक दिन रवनीत ने अपनी सस नूं कहा कि मम्मी जी, मेरियां कोई सहेलियां घरे आ रहियां तां उहनां लई कोई चाह कॉफी जां स्नैक्स बना लेना। शाम नूं जदों नूं दियां सहेलियां घरे आईयां तां नसीब कौर ने उहनां नूं पूरे आदर मान नाल बिठाया ते अपने हत्थां नाल बनाया होया खाना खवाया। उहनां दा बहुत चंगी तरह स्वागत कीता ते फिर रसोई विच जा के भांडे धोण लगी। फिर अचानक उसने जो सुनिया उसनूं अपने कन्नां ते यकीन ही ना होया। नूं दियां सहेलियां उसनूं कह रहियां सी कि रवनीत, तैनू तां कम वाली बहुत ही वधिया मिली आ, किन्ना स्वाद खाना बनाउंदी आ, तनखाह किन्नी लैंदी आ, साडे लई वी लभदे इहो जी कम वाली। रवनीत हस पई पर उस तों इन्ना वी ना कहा गया कि इह नौकराणी नहीं सगों मेरी सस है। थोड़ी देर बाद नसीब कौर अपने हथ धो के अंदर आई ते सब दे नाल बैठ गई। सहेलियां थोड़ा हैरान सी तां नसीब कौर ने कहा कि तुहाडी जानकारी लई दस देवां कि मैं कोई नौकराणी नहीं बल्कि तुहाडी सहेली दी सस हाँ। सहेली ने तुहानू दस्या नहीं तां सोचिया मैं ही दस देवां। सारियां सहेलियां दा मूँह अड्डिया रह गया ते उह हैरानी नाल रवनीत वल देखण लगियां। नसीब कौर ने कहा, मन्निया कि घर विच नौकराणी रखना तुहाडे स्टेटस दी निशानी है पर अपनी ही सस नूं नौकराणी करार देना कित्थों दा स्टेटस आ। ये सुनदे ही रवनीत गुस्से नाल लाल हो गई पर उस समय चुप रही। पर सहेलियां दे जाण तों बाद हंगामा खड़ा कर दिता। हैरानी दी गल तां ये सी कि उस दा अपना पुत्तर उन्हां दा पक्ष नहीं सी लै सकिया। संदीप बोलिया, मम्मी इन्नी छोटी जी गल दा बतंगड़ बनाउण दी की जरूरत आ। उसनूं सुणदे ही गुरभेज सिंह जो अज तक अपने पुत दे मोह विच मूँह बंद करी बैठा सी आपे तों बाहर हो गया। छोटी जी गल, तेरी मां नूं इत्थे नौकराणी कहा गया है, तैनूं इह छोटी जी गल लगदी आ? माफ करी पुत्तर, अज तक असी सारा कुछ चुप चाप सहण करदे आए हाँ पर हुण पाणी सिर तों लंघ चुक्या है। हुण जेकर असी एक मिंट भी इत्थे रुके तां इह तेरी मां दी बहुत वड्डी बेइज्जती आ। इन्ना कहिंदे गुरभेज सिंह अपनी पत्नी दे नाल समान पैक कराउण लगा, इह सोच के कि किते पोती दा मोह उहनां नूं रोक ना लवे। उह उस नूं दूरों देख के ही चले गए। जिहड़ी नूं दी उहनां ने इन्ने महीने सेवा कीती उसे नूं ने बेइज्जती दा इनाम दे के उहनां नूं घरों चलदा कर दिता। उहनां दे अपने पुत्तर ने ही उहनां नूं रोकिया तक नहीं। गुरभेज सिंह ते नसीब कौर दुखी मन नाल अपने घर वापस आ गए। इह सवाल उहनां दे मन विच वार वार आ रहा सी ते परेशान कर रहा सी कि उम्र दे इस पड़ा ते जदों बच्चों की सब तो ज़्यादा लोड़ हुंदी आ उह अपना गुजारा किवें करनगे। एक किराए तो बिना उन्हां कोल होर कोई कमाई का साधन भी तो नहीं सी।
अपनी सारी जमा पूंजी तां उन्हां ने अपने पुत्तर दी पढ़ाई ते उस नूं सैट करन विच खर्च कर दित्ती सी। गुरभेज सिंह दे मन विच इह गल्लां तिखी कटार दी तरह वज रहियां सन। घर पहुँच के उन्होंने बैल वजाई तो अमन ते उस दे घर वाले दे बाहर आने तो पहला ही सन्नी बाहर आ गया। वह खुशी खुशी रौला पाउन लग्या कि दादू आ गए, दादी आ गए, तुसी कित्थे सी, सानू छड़ के क्यों गए सी। नसीब कौर ने उसनू घुट के गल ना ला लिया। अमन उन्हां दोनां नू आए देख के खुश तां सी पर थोड़ी हैरान भी सी, क्योंकि वह जानती सी कि अंकल आंटी तो उसनू 6 महीनों का कह के गए सी, फिर इन्नी जल्दी वापस किवें आई, वह भी सारा समान लैके। पर उन्हां दोवां दा चेहरा देख के उसनू सारा मामला समझ आ गया सी। अंकल आंटी तुसी थोड़ी देर आराम करो, मैं तुहाडे लई चाह पानी का इंतजाम करती हाँ। उन्हां सारियां दियां अखां विच पानी सी। नसीब कौर ने जिवें ही अपने कमरे का दरवाजा खुलिया तो उसनू थोड़ा जिहा सुख का सा आया। पर गुरभेज सिंह दे दिमाग विच वार वार उही गल्लां ना चाहते हुए भी घूम रही सन। जदों ही उसने अपने कमरे विच पैर रखिया तो अचानक उसके दिल विच दर्द शुरू हो गया। इस तो पहला कि नसीब कौर उसनू संभालदी, वह निटाल हो के डिग चुका सी। नसीब कौर की आवाज़ सुन के अमन ते उसके घर वाला भी भज्जे आए, पर उदों तक गुरभेज सिंह अपना आखिरी साह लै चुकिया सी। नसीब कौर ते तां जिवें दुखां दा पहाड़ ही डिग पिया। अमन ते उसके घर वाले ने जिवें किवें उसनू संभालिया, नूं पुत नूं खबर कीती ते उह वी लोक इलाज लई आखिरी रस्मां निभाउण आ गई। उन्हां ने अपनी मां दा हाल चाल जानण दा कष्ट करन दी जरूरत ही ना समझी, पर किराएदारां ने नसीब कौर नूं पैर पैर ते सहारा दित्ता। हौली हौली समां लंघन लगा ते नसीब कौर भी पहलां नालों कुछ ठीक होण लगी सी। एक दिन अमन दा मुंडा सनी बीमार हो गया ते उसनू हस्पताल विच दाखल करवाउणा पिया। नसीब कौर नूं तां वैसे भी खाना बनाउण दा बहुत शौक सी ते अमन दी गैर मौजूदगी विच नसीब कौर ने ही टिफिन दा सारा काम संभाल लिया सी। सारे ही गाहकां नूं उसदा खाना बहुत पसंद आया। होस्टल दीआं कुड़ियां तां उसदे खाने दीआं दीवानियां हो गईआं। उसे समय ही नसीब कौर नूं पता लग्या कि उन्हां दे किराएदार अमन ते उसदे घर वाले ने हुण अपना मकान खरीद लिया है ते हुण उह उत्थे अपना एक रेस्टोरेंट भी खोलणगे। असल विच उह मकान उन्हां ने 2 महीने पहलां ही खरीदिया सी नसीब कौर दे जाण तों बाद, पर हुण उह गुरभेज सिंह दे जाण तों बाद नसीब कौर नूं इकल्ला नहीं सन छड्डणा चाहुंदे। इस लई उन्हां ने अपने गृह प्रवेश करन दा प्रोग्राम थोड़े दिनां लई अगे पा दित्ता। इह सुण के नसीब कौर दा दिल भर आया ते उस दीआं अखां विच्चों हंझू निकलण लगे। फिर उसने अपने आप नूं संभालिया ते अमन कोल गई, उसनूं वधाई दित्ती ते गल नाल लाउंदिआं कहा कि मेरा इन्ना ख्याल ना रखो कि मैं तुहानूं जाण ही ना देवां। नसीब कौर ने अमन नूं यकीन दवाया कि वह बिल्कुल ठीक है। फिर सारियां तैयारियां उन्हां दे नाल करवा के भरे हुए मन नाल उन्हां नूं विदा कर दिता। हुण नसीब कौर बिल्कुल इकली हो गई सी ते किराए तों होण वाली आमदन भी बंद हो गई सी। वह सोचदी कि मैं हुण अपना गुजारा किवें करांगी, जिस पुत्तर ते सारी जमा पूंजी खर्च कर दित्ती उसे ने ही बुढ़ापे विच। सोचते सोचते उस दियां अखां विच्चों त्रिप त्रिप हंजू वहन लगे। हुण आउण वाली जिंदगी किवें हो, यह सब सोच के उसका दिल घटन लगता। इन्ने विच ही बैल वजी, देखिया तो होस्टल दियां कुछ कुड़ियां बाहर खड़िया सी। वह नसीब कौर दे कोल आके टिफिन सर्विस लई कहन लगिया, आंटी तुहाडे हाथ दा खाना बहुत ही स्वाद हुंदा है,
ਆਂਟੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟਿਫਨ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕ ਆ ਗਈ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਮਨ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲਗਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹਾਂ, ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਰਚੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮਸਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮੰਗ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਇਕੱਲਾਪਨ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨੌਂ ਪੁੱਤ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਮੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਮੰਮੀ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਆ, ਰਵਨੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੱਕ? ਹੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਫਨ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ।
चैनल नूं जेकर हजे सबसक्राइब नहीं किया तो वह भी जरूर कर लो। सुनने लई धन्नवाद।